become you. Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. हेलो भाई लोग, वेलकम है जी आपका फिर से एक और ब्लॉग में। तो अभी नीचे बहुत ज्यादा शोर शराबा मच रखा है, और हाँ हैप्पी भैया दोज, आज भैया दोज है और नीचे बच्चे वगैरह हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा रखा है, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। और यार कल बच्चों ने पूरी जिम में देखो क्या मचा रखा है, पूरे में मतलब इतनी ज्यादा हल्ला काटा है इन्होंने जिम में। पहली बार आए ना, तो जब से जिम बनी है तो पहली बार आए घर पे, और घर पे आने के बाद इन्होंने छत पे रहे कल शाम के टाइम से और रात तक। उन्होंने वहाँ पे नमकीन वगैरह सब फेंक रखी है खा खा के, और पूरे में पत्थर वगैरह क्या क्या फेंक दिए, पूरी गंदी होगी। तो अभी पहले मैं नीचे जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, और अपनी भैया दो जब वो बनाएंगे, उसे बनाने के बाद आज मैं पहले इसे साफ भी करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा इसे संडे को साफ करे करूंगा, लेकिन इस बार संडे को साफ ही ना कर पाया। बगर की रोटी हो, सरसों का साग हो, और साथ में मूली हो, वही वाह दिन बन जावे पूरा का पूरा। और अभी चल रही है भैया दोज की, चल रही है मेरी तो होगी भैया दोज, बस बुआ थोड़ी लेट होगी, तो बुआ भी आ गई, तो अब बुआ भी कर देंगे भैया दोज। नो वन बीट दिस ब्रो, भाई 5 स्टार का क्या, 50 स्टार का खाना भी इस खाने को बीट ना करने का कुछ। पहले मेरे को बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा साग, और फिर धीरे 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 पता ना क्या साग अच्छा लगने लगा, फिर कड़ी भी अच्छी लगनी, और घर में बालक होना बहुत सारे, तो फिर हाय उल्ला मचा ही रहा है। अभी तो मैं धीरे धीरे आवाज आ रही होगी पीछे से, तो घर में बालक बहुत सारे हैं, तो बहुत शोर मच रहा हमारे घर में आज। हाँ जी, तो आज का तो पूरा दिन ही लग रहा तकड़ा ही निकलने वाला है। तो अभी हम बहुत टाइम से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें मतलब इस बार हम पार्टी करने के लिए होटल जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो लबिस ने यहाँ पे पूछा, तो लबिस जो पूछ के आया ना, तो यहाँ पे 20 रुपए की रोटी है, तो इस वजह से आधे घंटे से डिबेट चल रही है, भाई इस होटल पे ना जा रहे, इस पे जा रहे, इस पे ना इस पे जा रहे हैं। तो बहुत देर बाद डिसाइड हुआ है कि अब होटल हो गया, मतलब डिक्लेयर कहाँ चल रहे हैं। तो पहले बोले कि मामा यादव चल रहे, मामा यादव से फिर बोले कि यार बहुत भीड़ मिले वहाँ पर, गाड़ी वगैरह खड़ी करने में दिक्कत हो गया। तो लास्ट टाइम पे क्या सॉल्यूशन निकला है, लास्ट टाइम पे निकला है कि मोगा चल रहे हैं भाई। तो मैं भी बहुत देर बाद मतलब ठीक है भाई, मोगा मतलब अपना शांत जगह है और इतनी भीड़ वगैरह भी ना है, और एकदम बेस्ट है मोगा। तो यहाँ से सीधा मोगा निकल रहे हैं, और इधर की तरफ घूम के जाते हैं तो टोल भी पड़ता, टोल देना पड़ता, इससे बढ़िया इधर की तरफ जाओ अपने टोल भी बच जाएगा। तो इस वजह से डिसाइड हो गया कि मोगा चल रहा है, बंद कर दो। और इनका तो भाई ऐसा रोला है, जब तक गाड़ी चली, जैसे ही गाड़ी चली तो इन्हें हल्ला काटना कि मुझे आगे बिठाओ, जल्दी आगे बिठाओ। गाड़ी स्टार्ट होते ही इन्हें ऐसे हल्ला काटा है कि मुझे जल्दी में गाड़ी में बिठा दो बस एक बार, कभी गाड़ी चली जाए कहीं, और गाड़ी में भी आगे बैठेंगे, मैंने बताया नहीं तो रोंगे, पीछे बैठेंगे, तो बस बैठना है तो आगे बैठना, पर ना पीछे बैठना है तो रोते ही चलना है इन्हें। और अब एक गाड़ी में जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस वाली गाड़ी में शिफ्ट में तो आना रहे, और वैगनार खड़ी है, वैगनार में हो गया पिछले वाले टायर में पिंचर। तो इस वजह से अब और सोल्यूशन निकला है एक, और उसमें क्या निकला है कि शिफ्ट गाड़ी जा रही है और 2 बाइक जा रही है, तब जाके आ पा रहे हैं। तो यही है ब्रो, घर में 2 गाड़ी तो हैं पर पिंचर ही खड़ी है, वैसे तो इसकी कभी जरूरत ना पड़ती, पर जब भी जरूरत पड़े ना तभी मतलब एकदम से। जैसे ही मैं अंदर से बाहर निकला, मैं बोला भाई बारिश कैसे होगी इतनी ज्यादा, लेकिन बाद में पता चला कि बारिश ना हुई, इन्होंने खुद छिड़काव कर रखा है, धूल मिट्टी ना उड़े इस वजह से। और मैंने फिर बाहर की तरफ देखा तो भाई बार बार ना हो रही बारिश बारिश, तो इन्होंने अपने यहीं पे छिड़क रखा है। ये भी ठीक है भाई, अंदर से निकले कस्टमरों को डराने के लिए, जब हम गए तो बिल्कुल सूखा पड़ा है और आते ही। तो ब्रो खाना हो गया, पर यार अपने सरसों के साग और चावल की रोटी से बढ़िया कुछ ना यार, ना लगा मेरे को तो उससे बढ़िया खाना। आज की डील तो यार हमने गलत ही करी है, वाली पार्टी का प्लान ना हमें 1-2 दिन बाद रखना चाहिए, क्योंकि आज तो यार अपने घर पे इतनी बढ़िया पार्टी होगी, मिठाई वगैरह मिल रखी इतनी सारी, के बाद भी फिर पार्टी करने आ गए, तो ये डिसीजन हमारा गलत रहा भाई। इस भीड़ भाड़ वाले मिठाई के माहौल में मैंने फिर भी एक डिब्बा मिठाई का उठा कर रख लिया, ये रहा, इसमें 4-5 पीस बच रखे हैं बस। और मुझे यार यही वाली मिठाई अच्छी लगे, और कोई सी लगती ना। सुबह से मैंने कंट्रोल कर रखा कि मैं मिठाई ना खाऊंगा, और मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी चुन चुन के खाई, लेकिन यार इस वाली मिठाई को देख के तो मैं यार पिघल जाऊंगा, ऐसा क्या है इस मिठाई में, बीच में मावा और साइड में रसगुल्ले वाली, मतलब दोनों वाली फीलिंग दे, रसगुल्ला और मिठाई दोनों एक मिठाई में मिल रही है, तो भाई क्यों ना पिघलूंगा। तो ब्रो अभी बज गया रात के 9:30, और मैं आज लेट हो गया अपना वर्कआउट वगैरह करने में, क्योंकि भाई 6:30 बजे तो हम पार्टी करके आए, और वैसे डेली मैं 6 बजे अपनी जिम करूं, तो इस वजह से खाना भी खाया, थोड़ा हैवी खाना खाया, तो उस वजह से डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगा। तो अब मैं अपनी प्री वर्कआउट मील और कॉफी, ब्लैक कॉफी लेके अपना वर्कआउट करने आ गया। अब थोड़ा वार्म अप वगैरह करूंगा, और सर्दी बढ़ गई ब्रो अब तो, यहाँ पे भी लग रही है, साइड में से हवा आ रही है इधर से, और इधर से भी हवा आ जावे, वो तो हवा के ऊपर मैटर है किधर से चल रही है। उसके बाद आज वर्कआउट करेंगे, और आज सोच रहा हूँ कि मैं वर्कआउट वगैरह करते हुए अपने थोड़े 1-2 शॉट दिखा दूँ, तो एंजॉय द शॉट्स। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure